बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने झारखंड विधानसभा का एक बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कल जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के निशान पर लोगों ने, झारखंड की आवाम ने अब्दुल माइस साहब को वहाँ पर जिस तरह से अपने वोटों से नवाजा, आज उसी की ये नतीजा निकल कर आ रहा है कि झारखंड के उपचुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। क्योंकि आज झारखंड उपचुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जिस तरह से अपना दबदबा कायम रखा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जिस तरह से वहां पर कैंपेनिंग की थी और खुद हमारे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर पहुंचकर अपनी पब्लिक मीटिंग के जरिए से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर वो कामयाबी की ओर बढ़ाएं। क्योंकि आज जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर कर्नाटका हो, वहां पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ताकत बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आज उसी की एक झलक हमको झारखंड के उपचुनाव में देखने को मिली। क्योंकि आज जिस तरह से झारखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार जिस तरह से वहां पर मैदान में थे और जिस तरह से उनको आवाम ने अपने वोटों से नवाजा और आज उसी की बदौलत वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बेहतरीन कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आज झारखंड के उपचुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने मैदान में उतारा था, जिसके बाद से मजलिस ने वहां पर अपनी कामयाबी के बलबूते पर आज वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ऐसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कामयाब बनाने के लिए मजलिस का साथ दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें और मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब